उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दीपावली उपहार पुलिस स्मृति कार्यक्रम 2024 बड़ घोषणा विभिन्न जिले में नियोजित पुलिस कर्मी सहायता पर 3,50,00,000 टंकार सहायता राशि केवल एति नुहे पुलिस निजुक्ति आहरी 70% वृद्धि करी सरकार या छड़ा सेवारे थिवा पुलिस कर्मी एवं सेवानिवृत्त पुलिस कर्मी एवं तांको परिवार मेडिकल रिइंबर्समेंट 266 मामलार समाधान पर 3,56,000 टंका दिया जाए छी। मुख्यमंत्री आहुरी मध्ये कहिछन्ति जे शहीद पुलिस कर्मी केन्द्र अर्धसामरिक सैन्यबल एवं भारतीय सेनार कार्यरत उत्तर प्रदेश 115 शहीद कर्मी एवं सेमानंकर परिवार को 36,20,00,000 टंकार आर्थिक सहायता प्रदान करा जाए छी। ब्यारेक रहुथिबा पुलिस रहणी भत्तारे 25% वृद्धि सहित जातीय आंतर्जातिक खेलकूद प्रतियोगिता रे भाग नेउथिबा खेलाळींको प्रशिक्षण पाई आगामी आर्थिक वर्षरे 10,00,000,000 टंका वृद्धि करा जायछि। एवळी करी पुलिस कर्मीको पाई मोट 1,380,00,000 फंड घोषणा करिछन्ति योगी सरकार। ए अवसरे किछि शहीद पुलिस कर्मी एवं तांको परिवार को सम्मानित करिछन्ति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पुलिस में खेलकूद को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। कुशल खिलाड़ियों की भर्तियां नियमित की गई हैं। इसमें कुल खिलाड़ियों की संख्या बढ़कर 1,000 से अधिक हो गई है। वही पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में ज्यादा पदक जीतकर इन खिलाड़ियों ने प्रदेश का सम्मान और गौरव बढ़ाया है। इस क्रम को निरंतरता प्रदान करने के उद्देश्य से पुलिस बजट में जो 70,00,000 रुपए प्रावधानित किए गए थे वह अब पर्याप्त नहीं, अतः इसको अगले वित्तीय वर्ष के बजट में बढ़ाकर 10,00,00,000 रुपए के जाने की घोषणा की जाती है, जिससे इन खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, ट्रेनर, फिजियो, आहार, खेल उपकरण की बेहतर व्यवस्था की जा सके। वर्ष 2019 से पुलिस के लिए बहुमंजिले आवासीय और प्रशासनिक भवन बनाए जा रहे हैं। अभी इनकी संख्या 200 से अधिक हो चुकी है और आगे और भी निर्माण के लिए प्रस्तावित हैं। इन भवनों में लगे लिफ्ट, अग्निशमन उपकरण, सोलर संयंत्र, एसटीपी के रखरखाव के लिए कालांतर में धन की आवश्यकता होगी। इसके लिए मैं 1,380,00,000 रुपए के एक कार्पस फंड की घोषणा करता हूं, जिससे इन भवनों के रखरखाव बेहतर तरीके से हो सके। साथ ही जैसा प्रस्तावित किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में लगने वाले पुलिस बल पर आने वाले खर्च को नियमित करने के लिए यथा प्रस्तावित शुल्क लगाए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जो पुलिस महानिदेशक के अधीन रहेगा और इसका इस्तेमाल प्रस्तावित की जाने वाली कार्पस नियमावली के अंतर्गत किया जाएगा। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।